नमस्कार दोस्तों, सोनी टेक एंड एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन नेवी एडमिट कार्ड के बारे में। अगर आप इंडियन नेवी MRAA मतलब कि AA और SSR के फॉर्म अप्लाई किए हैं तो दोस्तों मैं बता दूं, आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया है कि एडमिट कार्ड को आप अपने फ़ोन से किस तरह से डाउनलोड करेंगे और कहाँ से डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको लिखना है alljobforyou.com। दोस्तों, alljobforyou.com लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस होगा। इसमें देखिए, आपको एडमिट कार्ड के सेक्शन में आ जाना है। एडमिट कार्ड के सेक्शन में आने के बाद आपको पहले ही दो लिंक मिल जाएगा, इंडियन नेवी MR एडमिट कार्ड 2021 और इंडियन नेवी AASSR एडमिट कार्ड 2021 का। तो दोस्तों, यहां पर आप किसी भी एक लिंक में जाके दोनों एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक ही सेक्शन खुलेगी। दोस्तों, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस होगा। इसमें आपका ऑल जॉब फॉर यू का एक शॉर्टलिस्ट वाले पेज खुल जाएगी जिसमें आपको इंडियन आर्मी का कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। दोस्तों, इसमें इस पेज के थोड़ा सा नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट लिंक में आपको एडमिट कार्ड के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर का एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस होगा। दोस्तों, इंटरफेस होने के बाद यहाँ जो आपके ज्वाइन इंडियन नेवी का ऑफिशियली वेबसाइट है ये खुल के आ जाएगी और यहाँ पर आपको लॉगिन के ऑप्शन मिल जाते हैं। लॉगिन के ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन दिया है। इसमें है पहला है ईमेल एड्रेस का, दूसरा है पासवर्ड का। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि यहाँ पर ईमेल आपको कौन सा डालना है। जो कि आप फॉर्म अप्लाई करने का टाइम ईमेल का यूज़ किए थे वो ईमेल को आपको यहाँ डालना है और दूसरा है पासवर्ड। तो दोस्तों, आपको ईमेल का पासवर्ड यहाँ नहीं डालना है, यहाँ डालना है आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम जो पासवर्ड आप क्रिएट किए थे वो पासवर्ड आपको डालना है। उसके बाद हो गया कैप्चा कोड, जो सिक्योरिटी कोड होता है वो सिक्योरिटी कोड को आपको यहाँ डाल देना है। फिर आपको लॉगिन के सेक्टर पे क्लिक कर लेना है, लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लेना। दोस्तों, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस होने लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आपका फुल्ली सबमिटेड फॉर्म्स जो है यहाँ पर शो होने लग जाएगा और यहाँ देख सकते हैं यहाँ इस लाइन पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, टाइटल्स मिल जाएगा, सबमिटेड डेट मिल जाएगा और एक्टिवेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो भी आप फॉर्म अप्लाई किए हैं आपका शो होगा और आप कौन सा डेट का मतलब कि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी आप कौन सा फॉर्म का यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी फॉर्म भरे हैं उसमें आपको व्यू में क्लिक करना है। तो व्यू में जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेपर खुल के आ जाएगी। इसमें आपको एक छोटा सा डिब्बा मिल जाएगा जिसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड का एक लिंक मिल जाता है। इसमें आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को। साथ ही यहाँ पर COVID-19 के बारे में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पर इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस होगा। आप जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और इसी तरह का गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।